हटा दिता गया है एस जी पी प्रधान नूं, महंत करमजीत सिंह ते उन्हें सकत्तर नूं। हैलो, देखो जी, पहला तो मेरी बेनती सुनो। हाँ जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ना ही सब तो वड्डी गलती सी सरकार दी जी। सैकंडली, क्योंकि वह एक संस्था है जिहड़ी किसी संविधान के तहत काम कर रही है, किसी एक्ट के तहत काम कर रही है जी। और उसका ना तो कोई डी नोटिफिकेशन हुई है, ना कोई पार्लीमेंट में उसको तोड़िया गया जी। एक तो सब तो पहला उन्होंने गलती करके फिर उतों अपने हाथ ठोकियां नूं किसी नूं प्रधान बनाया, किसी नूं मैंबर बनाया जी। और जिहड़ा काम 9-11 मैंबर सीगे साडे, 11 मैंबर उत्थे सफिशेंट सी, सफिशेंट नहीं मोर सफिशेंट सी जी। ते इन्हां ने चक के 41 मैंबर बनाते, उत्थे हुण लड़ाई होनी, हुण होरां की है जी, इहदे लड़ना ही। बिल्कुल ठीक है। जदों अपना दादूवाल साहब नूं हटाया गया सीगा, की समझदे हो, सही सीगा? नहीं, मैं किसी को भी नहीं सही कहती, मैनू तो कोई भी नहीं सही, क्योंकि इन्हों की धार्मिक वृत्ति नहीं लग रही किसी की, इन्हों पता ही नहीं संविधानिक तौर पर आप सिद्धांतक तौर पर उसे मर्यादा कि बहाल रखना। ये कोई सरकार थोड़ो कि कंपीटिशन करना कि वो असी भी एस डी पी सी चला ही रहे हैं, असी कभी किसी इस तरह की इज्जत मान के खिलाफ मतलब उसे लड़ाई नहीं की। जे कोई सिद्धांत की गल की तो सिद्धांत ही की है, गलत गल नहीं किसी ने की। और ना ही कोई माहौल इदा का बनाया कि गुरु ग्रंथ साहब के किसी मर्यादा किसी परंपरावान सिद्धांत को ठेस पहुंचे। साढ़े इन्ने साल 100 साल की एग्जैक्टिव दीटिंग नहीं होंगे, साढ़े च भी विरोधी मैंबर बैठे होंगे, एक तो कोई किसी विरोधी नहीं समझता, उसे सारे कट्ठे होकर अस फैसले करते हैं जी। पता ही नहीं जी, नहीं इन्होंने चला ही नहीं सकते जी। ये सारी कमेटी जी सरकार नॉमीनेट कर कभी वह भी चला सकती है जी गुरुद्वारे, इन्हों की पता गुरुद्वारे से गुरधाम कि प्रबंध कि सेवा संभाल कि ना सिख रहत मर्यादा का पता है, ना इन्हों कि उतो के संविधानिक तौर जो साढ़िया क्रांतिक तौर निजम ने निजम उपनिजम ने कोई पता ही नहीं इन्हों जी, कोई रूल्स का नहीं पता। की लगते हो फिर मंशा की सी जो भंग किया गया एस जी पी सी हरियाणा चो? उन्होंने किया कि हरियाणे की सरकार ने सिर्फ अपने हाथ चुके अपने ना लड़ाए फिर किसी तरीके लोगों को कही सिख साढ़े नाल है जी, सिखा पार दिता और उस संस्था वड्डी संस्था तोड़ने जतन किए हैं। ठीक है, किसी वेले कोई संस्था के कितने निकी मोटी कमजोरी हो सकती है, पर संस्था का नुकसान क्यों किया इन्होंने? और गुरु रामदास के घर तो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है जी, जेडे मैंबर एक समुद्र बड़े हुए थे उन्होंने ये चाहते है कि बाद च नहर आके वर जा जी। समुद्र से ना गुरु रामदास के घर सेवा करने से वो काल सारे सारे एडे एडे वे गुरुद्वारे मैनेज करते थे, उसे कोई यह थोड़े से हरियाणे के गुरुद्वारे से पंजाब के गुरुद्वारे हिमाचल के गुरुद्वारे पक्षपात नहीं किसी ना जी, गुरुद्वारे कोई पक्षपात थोड़ो करने वास्ते होंगे, गुरुद्वारे तो गुरु के है सिखा के पवित्र स्थान ने करके सिखा पाड़ना नहीं चाहिए, ना सिख पाड़ सकते हैं ना गुरु के गुरुद्वारे पाड़ सकते हैं। चोन ते वैसे श्रोमणी कमेटी होनी चाहिए है, ओदे अंडर ही जेडे इलाके है हल्के है जेडे ओदे अंडर ही काम करने चाहिए जाके गुरुद्वारे ते कब्जे करने कि लिखा होया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संस्था खत्म करना इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की है जी।